Hey, what is up? तो आज हम बात करेंगे अबाउट द वाइब्रेशन. तो आज हम बात करेंगे अबाउट अपकमिंग रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में. उसकी क्लियर इमेज हमारे पास आ गई है. ये प्रोटोटाइप वाली नहीं है, लॉन्च रेडी ये बाइक हो गई है और रिसेंटली ये लॉन्च भी होने वाली है. तो इस वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए काफी कुछ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो आप देख सकते हैं मैं भी ओन करता हूँ क्लासिक 350 और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था नई वाली क्लासिक 350 को देखने के लिए. BS6 में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करे थे, बस इंजन में ट्वीक्स कर दिए थे ताकि वो BS6 कंप्लाइंट हो जाए. बट अब जो क्लासिक 350 आ रही है उसमें पूरी जनरेशन चेंज हो रही है. इसमें अब हमें नया इंजन देखने को मिलेगा जो कि हमें मीटियोर 350 में देखने को मिले था. तो इसमें आपको 349cc का ट्विन स्पार्क सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 20.2 BHP एंड 27 Nm ऑफ टॉर्क. You can read the brochure. इसमें अब पावर बढ़ गई है, टॉर्क कम हो गया है. ये इंजन काफी बढ़िया है. इसमें आपको हर चीज नहीं मिलेगी, पहले वाले से मतलब काफी बेटर है. वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है और मैंने इसे चला के भी देखा है मीटियोर 350 में. तो अगर आपको मीटियोर के बारे में देखना है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं. और मतलब इंजन आप समझ ही जाएंगे क्योंकि सेम ही इंजन है, ज्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं दोनों में. भाई साहब गर्मी. दूसरा जो चेंज है वो है चेसी में. तो अब इसमें आपको मिलेगी ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम. तो ये चीज आपको मीटियोर में भी देखने को मिली थी. पहले जो आती थी वो सिंगल डाउन ट्यून मिलती थी, उसमें क्या होता था थोड़ी वाइब्रेशन ज्यादा होती थी और हैंडल में वॉबल की भी प्रॉब्लम थी. मेरी बाइक में है और मुझे जो लगता है कि सबसे बेकार जो मॉडल निकाला था वो BS4 वाला ही था और वही मैंने लिया है. BS6 भी थोड़ी ठीक हो गई थी और बाकी BS3 भी ठीक थी. बाकी अब जो आ रही है वो भी काफी बढ़िया होने वाली है. वाइब्रेशन कम होंगे क्योंकि एक तो वॉबल वाली चेसिस से खत्म हो गई, इंजन भी नया मिल रहा है तो उसमें वाइब्रेशन कम है. तो ये बहुत बढ़िया चीज है, मजा आया. तो अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की. इसमें भाई साहब फीचर भर दिए हैं, पहले कुछ भी नहीं आता था, बस स्पीडोमीटर उठा के देते थे. बट अब इसमें फीचर कई सारे आ गए हैं. तो इसमें अब आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा. पहले जो इसका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हो आप वो ब्लैक कलर का, पहले व्हाइट कलर का आता था, मैं आपको दिखा देता हूँ रेफरेंस के लिए. उसी के साथ आपको नीचे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा जिसमें आपको फ्यूल गेज मिलेगा, ट्रिप मीटर वगैरह भी मिल सकते हैं. साथ ही में आपको इसमें ट्रिपोमीटर भी मिलेगा जो कि आपको मीटियोर 350 में सबसे पहले देखने मिला था, उसके बाद हिमालयन में भी आ गया था. और ये पावर्ड है गूगल से और ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है नेविगेशन के लिए, तो मतलब टॉप नॉच है. साथ ही में आप एक और चीज देख रहे होंगे, जो इसमें की आपको मिल रही है, की भी डिफरेंट है. जो मीटियोर 350 में हमें मिली थी वैसी की है, बट सबसे पहले ये इंटरसेप्टर में आई थी, मतलब कॉन्टिनेंटल, फिर इंटरसेप्टर, उसके बाद मीटियोर. अब इसमें भी हमें ऐसी वाली की देखने को मिल गई. ये वाली जो की थी सच बता रहा हूं ये बहुत ही बेकार क्वालिटी के घिस जाता है, बट जो ये वाली जो की है ये मैंने देख रखी है पहले, क्वालिटी काफी बढ़िया है. इसमें आपको जो इग्निशन लॉक मिलेगा वो भी डिफरेंट है. पहले हैंडल लॉक करने के लिए नीचे मतलब साइड में लगाना पड़ता था, फिर हैंडल लॉक खोलो उसके बाद इग्निशन के लिए लगाओ, बट अब सब चीज एक ही जगह आ गई है. मेरे हिसाब से तो काफी कन्वीनियंट है क्योंकि जब मैंने पहली बार मतलब जब नई नई बाइक ली थी तो हैंडल लॉक के साथ ही मैं स्टार्ट करके निकल गया था और ऑब्वियसली मैं थोड़ा गिर गया था. तो अच्छा है, तो नए लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है. बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो स्विचेस हैं वो भी आपको डिफरेंट मिलेंगे. डिफरेंट इन द सेंस इस बाइक के लिए डिफरेंट है, बट हमने मीटियोर में ये देख लिया है. पता नहीं रॉयल एनफील्ड वालों को किसने बताया कि ये अच्छे लगते हैं, बट ठीक है यूनिक है, बट मुझे उतने पसंद. इसमें मैंने एक और चीज नोटिस करी है, इसमें जो मास्टर सिलेंडर का ब्रेक का जो मास्टर सिलेंडर है वो भी डिफरेंट है. गोल सा है, पहले स्क्वायर आता था, तो वाइब्री के ही होंगे मेरे को लग रहा है. बाकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग का कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी कुछ आया नहीं है. बट अगर इसमें सारी चीजें मीटियोर वाली है तो मीटियोर में काफी बढ़िया ब्रेक्स देखने को मिले थे. फ्रंट में 300 mm, रियर में आपको 270 mm के बड़े डिस्क देखने को मिले थे. अगर वो वाली ब्रेकिंग इसमें आ गई तो टॉप नॉच ब्रेकिंग हो जाएगी. मुझे काफी पसंद आई थी मीटियोर की ब्रेकिंग. बाकी आप देख सकते हैं जो इसमें क्लच वायर है वो भी अलग है. इसमें जो क्लच लीवर है वो भी मीटियोर वाले हैं. और आप इस इमेज में देख सकते हैं जो इसमें हैंडल का हब वाला पार्ट है वो भी डिफरेंट है, पहले अलग आता था. बाकी कुछ और कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले आपको न्यू हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेगा. ऑब्वियसली अभी भी हेलोजन ही है बट उसका जो डिजाइन है थोड़ा सा चेंज हो गया है. मीटियोर में हमें DRL भी देखने को मिलते थे बट इमेजेस में मुझे इसमें DRL नहीं देखने को मिल रहे, तो कंफर्म नहीं कर सकता मैं. बाकी शोरूम पे आएगी तभी पता चल पाएगा. उसके बाद आप देख सकते हैं कलर. कलर की बात करें तो वैसे तो जो क्लासिक का मेन कलर है ब्लैक वो इसमें हमें देखने को मिल रहा है, बट इसमें जो टंकी है वो आपको मैट मिलेगी, बाकी वाला जो पार्ट है वो आपको ग्लॉस में मिलेगा. एक और चीज आप इसमें नोटिस कर पा रहे होगे, इसमें जो डिस्क ब्रेक है पहले लेफ्ट में आता था अब राइट में, फ्रंट और बैक में दोनों में ही. साथ ही में जो चेन और स्प्रॉकेट का सिस्टम था वो लेफ्ट में आ गया है.
तो ये चेंज कर दिया गया है। बाकी एक और छोटा सा चेंज है इसमें, आप जो ब्रेक पैडल देख सकते हैं रियर ब्रेक का, तो पहले नीचे से आता था वो, इमेजेस के लिए मैं लगा देता हूँ, बाकी अब ऊपर से आता है। तो ये भी एक चेंज हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्लेट है, वो मतलब अगर आपका पैर बचा सकता है इंजन पे ना लगे तो ये इसके लिए भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है इसके वजह से ये चेंज करा गया है। अब इसमें हमें न्यू सीट्स भी देखने को मिलेगी। इस अपडेट को देखने के बाद मिस से ज़्यादा मेरी ऐस खुश है, क्योंकि भाई साहब इसमें जो रियर सीट थी वो बहुत ही बुरी थी BS4 और BS6 में, बट आपको देख सकते हैं न्यू कुशनिंग के साथ हमें देखने को मिल रही है पिलियन सीट, और जो राइडर की सीट है उसमें से अब स्प्रिंग हटा दी है। इसका भी फायदा है, इसका फायदा ये है क्योंकि अगर आप लाइट वेट हैं, मतलब आपका वेट ज़्यादा नहीं है, तो वो स्प्रिंग दबती नहीं थी और कुशनिंग का काम उतना अच्छा नहीं करती थी। अब स्प्रिंग हटा दी है तो शायद अच्छा वर्क करे। बाकी इसमें थोड़ी लो कर दिया सीट, तो पहले 800 mm का इसमें सीट हाइट आती थी, अब थोड़ी सी कम हो सकती है, कंफर्म नहीं कर सकते, मान सकते हैं कि 790 के अराउंड इसमें हमें सीट हाइट मिल जाएगी, तो शॉर्ट राइडर को भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसके साथ। सीट के साथ आप देख सकते हैं जो इसकी ग्रैब रेल है वो भी थोड़ी बड़ी हो गई है, मुझे थोड़ी ऊंची सी देखने में लग रही है। बाकी अगर इसमें क्या रियर में बढ़े तो इसका रियर का डिज़ाइन भी काफ़ी चेंज कर दिया गया है। इसमें अब हमें LED लाइट्स मिलेगी, LED टेल लाइट्स, इंडिकेटर हैलोजन है, LED कंफर्म नहीं है, बट जहां तक हो सकता है कि LED आए। टेल लाइट में देख सकते हैं इसमें आपको क्रोम सराउंडिंग देखने को मिलेगी। पर्सनली बताऊं तो मुझे पहले वाला टेल का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद था, थोड़ा एजी सा था, ये ज़्यादा कर्वी सा हो गया है। I'm curvy and I like it. जैसे अभी आप देख सकते हैं इसमें जो इंजन वाला पार्ट है वैसे तो अभी सिल्वर है, बट हो सकता है कोई जैसे स्टेल्थ एडिशन आता है अभी उसमें सब कुछ ब्लैक होता है, तो हो सकता है इसमें भी हमें देखने को मिले। इसमें आपको अलॉय के भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, हमने टेस्टिंग वाली फोटोज में देखा है कि इसमें आपको अलॉय वाले भी देखने को मिल रहे हैं। एग्जॉस्ट की बात करें तो इसमें अब आपको मीटियोर जैसी आवाज़ देखने को मिलेगी, पहले जैसे डुक डुक वाली आवाज़ नहीं होगी, थोड़ी ग्रंटी सी आवाज़ होगी, मतलब फटी फटी टाइप की, जैसे RX 100 में आपको देखने को मिलती थी। फटी मीन्स ख़राब नहीं, वो भी काफ़ी बेटर है, और BS4 से कंपेयर करूँ तो बहुत ही बड़ी आवाज़ आती है मीटियोर 350 में, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आएगी। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के। तो भाई प्राइस स्टार्ट करने से पहले अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस हो सकता है 1.80 लाख टू 1.95 लाख, तो इसके अराउंड ही इसका प्राइस होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। लॉन्च डेट की बात करें तो लॉन्च अभी तक ये हो जानी चाहिए थी, बट ये पैंडेमिक जो आ गया है इसके वजह से लॉन्च नहीं हुई। हो सकता है कि जून के मतलब एंड तक ये लॉन्च हो जाए, अगर पैंडेमिक मतलब थोड़ा सा रुका, थम तो नहीं सकता, थोड़ा सा अगर रुका तो शायद ये लॉन्च हो जाए जून के एंड तक। बाकी रॉयल एनफील्ड के लाइनअप में अब और भी ज़्यादा बाइकें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली इन्हें ये वाली लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद हमें रॉयल एनफील्ड हंटर देखने को मिलेगी जो कि एक स्क्रैम्बलर है, उसके बाद 650cc में क्रूजर भी आ रही है, तो ऑब्वियसली लाइनअप बहुत ही तगड़ा आने वाला है और सारी बाइक्स अपडेट हो जाएंगी। रॉयल एनफील्ड ने भी कहा है कि हर क्वार्टर में आपको नए अपडेट्स देखने को मिलेंगे बाइक्स में। तो भाई ये जो फोटोज़ को देख के हमें अभी तक पता चला वो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी शोरूम पे जब आएगी उसकी वीडियो हम प्रॉपरली बनाएंगे, राइड रिव्यू करेंगे, सब कुछ करेंगे उसके साथ। बट स्टिल अगर मेरे से कुछ भी छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऑब्वियसली मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर वहाँ पे नहीं हो तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए, वहाँ पे फुल बातचीत होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।